वेलकम बैक एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी एमबीबीएस में। तो आज की वीडियो में हम हमारी फोर आर्म की बोन रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। हम इसकी साइट डिटरमिनेशन, फीचर्स, अटैचमेंट्स और ऑसिफिकेशन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी रेडियस लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म है। जब हम लेटरल या फिर मीडियल डिसाइड करते हैं तो हमारी फोर आर्म सुपिनेटेड पोजिशन में होती है। सुपिनेटेड पोजीशन में, ये जो सुपिनेटेड पोजीशन है इसमें जो लेटरली हमारी प्रेजेंट है ये वाली बोन, ये है हमारी रेडियस। ये होमोलोगस होती है टीबिया, जो हमारी लोअर लिम की बोन है उसके साथ। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक अपर राउंडेड एंड, एक लोअर ब्रॉड एंड विद स्टाइलोइड प्रोसेस, और ये बीच वाला शाफ्ट। हम साइट डिटरमिनेशन करने से पहले हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। हम अपर एंड शाफ्ट और लोअर एंड के फीचर्स अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपर एंड को शुरू करते हैं। अपर एंड जो हेड है ये डिस्क शेप्ड होता है एंड इज कवर्ड विद हाइलीन कार्टिलेज। इट हैज अ सुपीरियर कॉनकेव सरफेस विच आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटलम, जो कि एक राउंडेड प्रोजेक्शन होता है हमारे ह्यूमरस का, ऑफ द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। ये है हमारी अपर लिम। इसकी जो ये लेटरली प्रेजेंट है ये है हमारी रेडियस। इसको अलग से कर लेते हैं। अब ये जो ऊपर वाला सरफेस, ये है हमारा हेड, हम इसकी बात करेंगे। अब इसका जो सुपीरियर सरफेस है ऊपर से, ये देख सकते हैं आप, ये कॉनकेव है जो कि आर्टिकुलेट करता है हमारे ह्यूमरस के कैपिटलम के साथ। हेड डिस्क शेप्ड होता है और कॉनकेव होता है, सुपीरियर सरफेस कॉनकेव होता है, सुपीरियर सरफेस कॉनकेव होता है और डिस्क शेप्ड होता है, और ये आर्टिकुलेट करता है हमारे कैपिटलम के साथ। इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये सुपीरियर सरफेस है, ये हमारी रेडियस है। ये देख सकते हैं ये डिस्क शेप्ड हेड विथ कॉनकेव सुपीरियर सरफेस, ये कॉनकेव होता है ऐसे और ये डिस्क शेप्ड है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड इज ऑल्सो आर्टिकुलर। अब जो हेड का सर्कमफेरेंस है वो भी आर्टिकुलर होता है। ये फिट होता है एक सॉकेट में जो कि बनती है रेडियल नॉच ऑफ अल्ना और एनुलर लिगामेंट से। इसको डायग्राम में देखें, ये रही हमारी रेडियस, ये इसका हेड, अब ये जो राउंडेड प्रोजेक्शन है ये है कैपिटलम, इसके साथ हमारा रेडियस का हेड आर्टिकुलेट करता है, और ये है एनुलर लिगामेंट। अगर हम ह्यूमरस को हाइड कर दें तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये है हमारी अल्ना जो मीडियली प्रेजेंट है, और इसके जो ऊपर की तरफ रेडियल नॉच, और ये है हमारा एनुलर लिगामेंट। ये दोनों सॉकेट बनाते हैं जिसमें फिट होता है हमारा हेड। सॉकेट बनाते हैं जो कि बनता है रेडियल नॉच से ऑफ अल्ना। अल्ना का जो नॉच होता है जहां पे रेडियस का हेड फिट होता है उसको रेडियल नॉच बोलते हैं, और एनुलर लिगामेंट, इन दोनों से एक सॉकेट बन रहा है। इसको डायग्राम में देखें तो ये एनुलर लिगामेंट है, और ये जो होगा इधर, ये होगा हमारा रेडियल नॉच, ये ऐसे, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये ऐसे पीछे की तरफ जाके ऐसे, ये पोस्टीरियर व्यू पूरा ऐसे कवर करता है, और ये इस साइड मीडियली प्रेजेंट होता है हमारा रेडियल नॉच। तो ये एक सॉकेट बनाता है जिसमें हमारा हेड फिट होता है, और हेड का जो सर्कमफेरेंस है वो भी इसमें फिट होता है, तो ये आर्टिकुलर होता है। दिस फॉर्मिंग द सुपीरियर रेडियो अल्नॉइड।
जॉइंट, तो ये सुपीरियर है, तो ये बनता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जो कि हमारे रेडियस और अल्ना के बीच होता है। अब नेक की बात करें तो द नेक इज एनक्लोज्ड बाय द नैरो लोअर मार्जिन ऑफ द एनुलर लिगामेंट। हेड के नीचे नेक आएगा, तो ये इसके थोड़े से मार्जिन जो हमारे एनुलर लिगामेंट के हैं वो एनक्लोज कर दे हमारे हेड को, नैरो लोअर मार्जिन ऑफ द एनुलर लिगामेंट। द हेड एंड नेक आर फ्री फ्रॉम कैप्सुलर अटैचमेंट एंड दस कैन रोटेट फ्रीली विद इन द सॉकेट। ये जो सॉकेट बनती है इसके अंदर ये फ्रीली रोटेट हो सकते हैं, क्योंकि ये फ्री होते हैं हमारे कैप्सुलर अटैचमेंट से। ये जो कैप्सुलर अटैचमेंट है, ये हेड और जो नेक है वो फ्री होते हैं इससे, इसलिए ये इस सॉकेट में जो कि बनता है हमारे एनुलर लिगामेंट और रेडियो रेडियल नॉच, ये जो रेडियल नॉच है जिसके अंदर हमारा हेड ऑफ रेडियस फिट होता है इससे, और ये जो एनुलर लिगामेंट है ये आप देख सकते हैं ऐसे, ये है रेडियल नॉच और ये है एनुलर लिगामेंट, तो इससे ये बन रहा है हमारा सॉकेट जिसके अंदर ये रेडियस फ्रीली रोटेट कर सकता है। रोटेट फ्रीली। द रेडियल ट्यूबरोसिटी लाइज जस्ट बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक। इट हैज रफ पोस्टीरियर पार्ट एंड ए स्मूथ एंटीरियर पार्ट। अब ये हमारा हेड था, ये इसके नीचे का रीजन नेक है, ये एंटीरियर एंटीरियर व्यू है और ये मीडियल है। तो जो नेक के जस्ट मीडियली प्रेजेंट होता है ये ट्यूबरोसिटी, ये है रेडियल ट्यूबरोसिटी। जस्ट बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक। इसके दो दो पार्ट होते हैं, एक रफ पोस्टीरियर पार्ट और स्मूथ एंटीरियर पार्ट। अब इसका जो पोस्टीरियर थोड़ा सा पार्ट होगा वो रफ होता है, रफ जो होता है पोस्टीरियर पार्ट, और ये जो आगे की तरफ थोड़ा इंटीरियर पार्ट होता है वो होता है स्मूथ, ये है स्मूथ एंटीरियर पार्ट। तो हमने अपर एंड में हेड और नेक को देख लिया और रेडियल ट्यूबरोसिटी को देख लिया। अब हम शाफ्ट की बात करेंगे, तो हमारे शाफ्ट में तीन, इसके तीन बॉर्डर्स होते हैं और तीन सरफेस होते हैं। पहले बॉर्डर्स की बात करें तो आते हैं एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल या फिर इंटरोशियस बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो एक्सटेंड करता है हमारे एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी, जो हमने रेडियल ट्यूबरोसिटी अभी देखी उसके एंटीरियर मार्जिन से डाउन क्लोज टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस, हमारे जो लोअर एंड में स्टाइलॉइड प्रोसेस है वहां तक। ये हमारी रेडियस, इसका इंटीरियर व्यू है ये, और ये था हमारा रेडियल ट्यूबरोसिटी। यहां से एक्सटेंड करता है ये नीचे स्टाइलॉइड प्रोसेस तक, ये जो है ये है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी से लेकर स्टाइलॉइड प्रोसेस तक, ये होता है ऑब्लिक इन द अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट एंड वर्टिकल इन द लोअर हाफ।
ये जो एक्सटेंड कर रहा है हमारे एंटीरियर, इसके जो एंटीरियर मार्जिन ऑफ, एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी, वहां से लेकर ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वहां तक ये जो एक्सटेंड कर रहा है ये बॉर्डर, ये है हमारा एंटीरियर बॉर्डर। ये ऑब्लिक होता है इन द अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट एंड वर्टिकल इन द लोअर हाफ। द लोवेस्ट पार्ट इज शार्प एंड क्रेस्ट लाइक, द ऑब्लिक पार्ट इज कॉल्ड द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। अब जो एंटीरियर बॉर्डर है ये ऐसे अपर हाफ में ऐसे ऑब्लिक होता है, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, और ये लोअर हाफ में शार्प होता है ऐसे क्रेस्ट लाइक शार्प होता है, वर्टिकल इन द लोअर पार्ट इज शार्प एंड क्रेस्ट लाइक, द ऑब्लिक पार्ट इज कॉल्ड द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। अब पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये मिरर इमेज होता है हमारे एंटीरियर बॉर्डर का, बट इट इज क्लियरली डिपेंड ओनली इन मिडल वन थर्ड। ये मिरर इमेज होता है लेकिन ये क्लियरली दिखता है सिर्फ मिडल वन थर्ड ऑफ शाफ्ट में। इसका भी अपर ऑब्लिक पार्ट होता है वो नोन एज पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। अब ये हमारा एंटीरियर व्यू है, इसको हम पोस्टीरियर व्यू से देखें तो ये है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। ये देखिए आप बीच में ही सिर्फ क्लियरली विजिबल है, और ये भी ऊपर जाकर ऐसे ऑब्लिकली ऑब्लिक लाइन बनाता है, इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारे रेडियस का पोस्टीरियर व्यू। ये है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। ये है पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि प्रोमिनेंट या फिर अच्छे से दिखाई देती है सिर्फ मिडल वन थर्ड में, सिर्फ मिडल पार्ट में, और ऊपर भी ये ऑब्लिक लाइन बनाती है ऐसे बिल्कुल एंटीरियर बॉर्डर की तरह, तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन और मिडल वन थर्ड में ये डिफाइंड होती है, क्लियरली डिफाइंड मिडल पार्ट वन थर्ड वहीं पे होती है ये। क्लियरली डिफाइंड, और ये है ऊपर की तरफ पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। अब मीडियल या फिर इंटरोशियस बॉर्डर की बात करें तो ये होता है शार्पेस्ट ऑफ द थ्री बॉर्डर, इट एब्सेंट फ्रॉम द रेडियल ट्यूबरोसिटी अबव टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द अलर नॉच। द इंटरोशियस मेम्ब्रेन, इसको भी हम इसमें देख लेते हैं पहले। ये हमारा पोस्टीरियर व्यू था, इसको हम एंटीरियर व्यू पे लाते हैं। ये है हमारा इंटीरियर बॉर्डर, और इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे मीडियली तो ये जो शार्पेस्ट बॉर्डर है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा मीडियल बॉर्डर या फिर इंटरोशियस बॉर्डर। ये एक्सटेंड करता है ये भी एक्सटेंड करता है इसके अल्नर नॉच रेडियल ट्यूबरोसिटी से और नीचे तक। ये अल्नर नॉच जहां पे अल्ना का हेड फिट होता है, अल्नर नॉच इसके पोस्टीरियर मार्जिन पे,
इसका भी प्रॉपर मीडियल व्यू लेंगे और इसको करेंगे यहाँ से कट और करेंगे कॉपी। ये है हमारा रेडियस, उसका मीडियल व्यू, ये है हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये है हमारे अल्नर नॉच, और ये जो एक्सटेंड हो रहा है रेडियल ट्यूबरोसिटी से, ये शार्प बॉर्डर नीचे रेडियल ट्यूबरोसिटी पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द अल्नर नॉच। ये दो मार्जिन है, एंटीरियर मार्जिन और पोस्टीरियर मार्जिन। ये पोस्टीरियर मार्जिन तक जो एक्सटेंड कर रहा है, ये है हमारा मीडियल बॉर्डर जो कि होता है शार्पेस्ट। ये है हमारी पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नर नॉच। द इंटरोशियस मेम्ब्रेन इज अटैच टू द लोअर थ्री फोर्थ। जो इंटरोशियस मेम्ब्रेन हम आगे देखेंगे वो इसके लोअर थ्री फोर्थ पे अटैच होती है। इन द लोअर पार्ट इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द एलोंगेटेड ट्रायंगुलर एरिया। जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट, वहां पे ये क्या करता है, पोस्टीरियर मार्जिन बनाता है, ये जो ट्रायंगुलर ऐसे एरिया है इसका, ये हमारी मीडियल बॉर्डर। तो हमने एंटीरियर बॉर्डर जो कि रेडियल ट्यूबरोसिटी से ये स्टाइलोइड प्रोसेस तक, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर को देख लिया। अब हम इसके तीन सरफेस को देखेंगे, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस। हमने देखा था इसके अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं तो मान लो कि ये रेडियस है, ये है मीडियल बॉर्डर, ये है एंटीरियर बॉर्डर और ये है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। अब हम इनके सरफेस देखेंगे तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। जो एंटीरियर है वो लाई करता है बिटवीन द एंटीरियर एंड द इंटरोशियस या फिर मीडियल बॉर्डर में। एंटीरियर सरफेस होता है एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, ये है हमारा एंटीरियर सरफेस। जो पोस्टीरियर सरफेस है वो लाई करता है पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच, ये पोस्टीरियर और मीडियल, ये है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। और जो लेटरल सरफेस है वो लाई करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच, एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच, ये है हमारा लेटरल सरफेस। तो हमने तीनों बॉर्डर और तीनों सरफेस देख लिए। अ न्यूट्रिएंट फोरामेन इज ओपन इन इट्स अपर पार्ट एंड इज डायरेक्टेड अपवर्ड। जो एंटीरियर सरफेस है वो अपर पार्ट में, वहां पे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है, और जो हमारा लेटरल सरफेस है वो मिडल पार्ट में थोड़ा रफ होता है। तो हमने शाफ्ट के तीनों बॉर्डर्स और तीनों सरफेस देख लिए। अब हम लोअर एंड को देख लेते हैं। द लोअर एंड इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, इट हैज फाइव सर्फेसेस। जो हमारा लोअर एंड है वो वाइडेस्ट पार्ट है हमारे बोन का और इसके पांच सर्फेस हैं, एंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस,
मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस और एक इनफीरियर सरफेस, इसको भी हम इसमें देखें तो ये हमारा रेडियस है। इसका एंटीरियर व्यू देख लेते हैं, ये एंटीरियर व्यू है, ये हमारा लोअर एंड है। इस पे अगर हम जूम करें तो इसके अगर हम इंफीरियर ले जाएं तो इसका ये ऊपर वाला जो सरफेस है एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस, ये मीडियल सरफेस, ये लेटरल सरफेस और ये जो नीचे हमारी तरफ फेस कर रहा है ये इंफीरियर सरफेस। ये है लोअर एंड जो कि है रेडियस का, ये है हमारा एंटीरियर सरफेस, ये है हमारा पोस्टीरियर सरफेस, ये है मीडियल सरफेस, ये है हमारा लेटरल सरफेस, और ये जो हमारी तरफ फेस कर रहा है ये है इन्फीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होता है वो फॉर्म ए थिक प्रोमिनेंट रिज, ये जो एंटीरियर सरफेस है ये देखो ऐसे थिक प्रोमिनेंट रिज की तरह है। द रेडियल आर्टरी इज पल्पेटेड अगेंस्ट द सरफेस, यहाँ पे हम रेडियल आर्टरी को पल्पेट करके देख सकते हैं, ये थिक प्रोमिनेंट रिज के फॉर्म में होता है। पोस्टीरियर सरफेस के चार ग्रूव्स होते हैं फॉर एक्सटेंसर टेंडेंस, द डॉर्सल ट्यूबरकल, पहले हम चार ग्रूव्स को देख लेते हैं। ये हमारा रेडियस का डायग्राम है लोअर एंड का, और ये है हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये है हमारी रेडियस, ये लोअर एंड है, इसमें चार ग्रूव है, ये फर्स्ट ग्रूव, ये सेकंड ग्रूव, ये थर्ड ग्रूव जिसको ऑब्लिक ग्रूव भी बोलते हैं, और ये लास्ट में फोर्थ ग्रूव। चार ग्रूव्स प्रेजेंट है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, और जो डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, एक ट्यूबरकल होता है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, वो प्रेजेंट होता है लेटरली टू एन ऑब्लिक, या फिर जो हमारा थर्ड ग्रुप था उसके लेटरली, ये हमारा थर्ड ग्रुप है, इसके लेटरली ये प्रेजेंट है हमारा डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर पोस्टीरियर और लोअर एंड में। अब मीडियल सरफेस वहां पे होता है अल्नर नॉच, जहां पे अल्ना का हेड आर्टिकुलेट करता है, जो लेटरल सरफेस है वो नीचे प्रोलोंग करता है और स्टाइलर्ड प्रोसेस बनाता है। ये था हमारा हेड ऑफ अल्ना, जहां पे ये है अल्नर नॉच। हेड ऑफ ऑल अंडर नॉच जो मीडियल होता है, और लेटरल ये देखो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये होता है लेटरल सरफेस का प्रोलोंगेशन। जो इंफीरियर सरफेस है वो ट्रायंगुलर एरिया और एक मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया होता है, वहां पे ट्रायंगुलर एरिया स्कैफोइड बोन और जो क्वाड्रेंगुलर एरिया फॉर यूनिट बोन। ये इंफीरियर सरफेस था हमारा, इस पे ये देखिए ये ट्रायंगुलर एरिया है और ये क्वाड्रेंगुलर एरिया है, यहाँ पे
नीचे कार्पल बोन आर्टिकुलेट करती है ये ल्यूनेट के लिए, और ये ट्राइंगुलर एरिया ये होता है हमारे स्केफोइड बोन के लिए। ये दोनों कार्पल बोन्स है। दिस सर्फेस टेक्स पार्ट इन फॉर्मिंग द रिस्ट जॉइंट, ये रिस्ट जॉइंट बनाता है। तो हमने अपर एंड शाफ्ट के तीनों बॉर्डर और तीनों सर्फेस और लोअर एंड के फीचर्स देख लिए। अब हम साइड डिटरमिनेशन करना सीख लेते हैं। अब आते हैं साइड डिटरमिनेशन कि ये राइट या फिर लेफ्ट रेडियस है। तो सबसे पहले अपर और लोअर एंड की बात करें तो अपर एंड पे हमने देखा कि वो डिस्क शेप्ड होता है और कॉनकेव होता है सुपीरियरली। तो अपर एंड जो डिस्क शेप्ड एंड होगा वो होगा अपर एंड और नैरो नेक होता है, और जो लोअर एंड है वो एक्सपेंड होता है, वहां पे होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा वो लोअर होगा। अब जो क्लोज टू द नेक हमने देखा था एक रेडियल ट्यूबरोसिटी भी प्रेजेंट होती है। तो इससे हम इस पॉइंट से हम ये पता लगा सकते हैं ये कि अपर एंड है या फिर लोअर एंड है। अपर एंड होगा डिस्क शेप्ड और रेडियल ट्यूबरोसिटी होगी नेक के पास में, और जो लोअर एंड है वहां पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा। At the lower end, the anterior surface is in the form of thick, prominent ridge. हमने देखा था जो anterior surface है वो thick, prominent ridge होता है, और जो posterior surface है वहाँ पे चार groups present होती है। अब हमने upper और lower decide कर लिया, अब इसका anterior और posterior कैसे decide करेंगे वो इन points से decide करेंगे, anterior या फिर posterior। तो जो lower end है उसके anterior तो वो thick, prominent ridge होगी, और जो पोस्टीरियर है वहां पे चार ग्रुप्स प्रेजेंट होगी। तो इससे हम एंटीरियर पोस्टीरियर भी देख सकते हैं। अब जो लोअर एंड है वो प्रेजेंट करता है ट्यूबरकल, जो पोस्टीरियर सरफेस पे था हमने देखा था डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। इससे भी हम पता लग जाएगा कि ये जिस साइड ये ट्यूबरकल होगा वो पोस्टीरियर होगा और वो होगा लोअर एंड। और द शार्पेस्ट बॉर्डर, जो तीनों बॉर्डर में जो सबसे शार्प होगा वो होगा मीडियल बॉर्डर। तो इन सभी पॉइंट से ये हमें मीडियल साइड बताएगा, मीडियल बॉर्डर। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये फिर राइट या फिर लेफ्ट रेडियस है। अब हम अटैचमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम एंटीरियर साइड या फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस के जो अटैचमेंट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले द बाइसेप्स ब्रेकिए, बाइसेप मतलब दो हेड्स लॉन्ग और शॉर्ट हेड इज इंसर्टेड, इंसर्ट करती है जो रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। हमने रेडियल ट्यूबरोसिटी के दो पार्ट देखे थे, एक जो पोस्टीरियर था वो रफ था और एंटीरियर स्मूथ था। पोस्टीरियर पे इंसर्ट करती है बाइसेप्स ब्रेकिए और एंटीरियर पार्ट पे एक बर्सा होता है। इसको हम देखें तो हमारा ये बाइसेप्स ब्रेकिए है, ये है जो ऑरेंज कलर से, ये है बाइसेप्स ब्रेकिए। ये यहां पे जाके इंसर्ट करती है हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये इंसर्ट करती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। और जो एंटीरियर पार्ट है वहां पे एक बर्सा प्रेजेंट होता है, जो एंटीरियर पार्ट है वहां पे होता है बर्सा। जो रेडियल हेड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, अब इस मसल का जो रेडियल हेड है वो ओरिजिन करता है एंटीरियर ऑब्लिक लाइन और द अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर। अब ये वाली मसल जो ऑरेंज कलर से इसमें हाईलाइट है वो है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपर
सीएलिस। इसका जो रेडियल हेड है वो एंटीरियर ऑब्लिक लाइन और अपर अपर बॉर्डर के अपर पार्ट से, यहां से यह एंटीरियर ऑब्लिक लाइन यहां से ओरिजिन करता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का रेडियल हेड। द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस टेक्स ओरिजिन, ये भी ओरिजिन था, बाइसेप्स का इंसर्शन था, ओरिजिन फ्रॉम द अपर टू थर्ड ऑफ द एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस था हमारे मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये है हमारा इंटीरियर ऑब्लिक लाइन, ये मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के बीच है एंटीरियर सरफेस। ये वाली जो इसमें हाइलाइटेड है ऑरेंज कलर से, ये है हमारी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ओरिजिन होता है अपर टू थर्ड ऑफ द एंटीरियर सरफेस। ये है हमारी फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, इसका ओरिजिन होता है कहां से, अपर टू थर्ड से एंटीरियर सरफेस। ये आप देख सकते हैं यहां से अपर टू थर्ड से। अब आते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस पे, जो कि इंसर्ट होती है, इंसर्ट होती है लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस पे एंड इनटू द ट्रायंगुलर एरिया ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड। हमारे जो लोअर एंड का जो मीडियली जो ट्रायंगुलर एरिया है वहां पे, और जो लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस है वहां पे इंसर्शन होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस का। ये है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और ये है हमारा एंटीरियर सरफेस, ये है हमारा लोअर पार्ट। जो लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस पे इसका इंसर्शन होता है, द रेडियल आर्टरी पालपेट कर सकते हैं रेडियल बस के लिए, ये लाई करती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस पे, मीडियल टू द शार्प एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस, लेटरल टू द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर पैरेलल रेडियलिस। तो समराइज करें तो ये था हमारा एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट रेडियस। पोस्टीरियर पार्ट या फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी, वहां से वहां पे इंसर्शन होता है, ये जो ब्लू कलर से है वो इंसर्शन, बाइसेप्स ब्रेकेगा, जो एंटीरियर पार्ट था वहां पे बर्सा प्रोजेक्ट होता है। अब जो एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है वहां से ओरिजिन होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, और जो एंटीरियर सरफेस है अपर टू थर्ड वहां पे ओरिजिन होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का, और जो लोअर पार्ट है हमारा एंटीरियर सरफेस का वहां पे इंसर्शन होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटिस का। ये थोड़ा सा ऐसे मीडियली भी जाता है, ये देखो ये मीडियल भी प्रेजेंट है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो हमने इंसर्शन में चार मसल देख ली, एंटीरियर सरफेस में चार मसल देख ली, बाइसेप ब्रेके का इंसर्शन, प्रोनेटर क्वाड्रेटस का इंसर्शन, और ये एंटीरियर ऑब्लिक लाइन पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का ओरिजिन, और एंटीरियर सरफेस अपर टू थर्ड पे ओरिजिन होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का। अब जो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है उनका ओरिजिन होता है पोस्टीरियर सरफेस से, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये जो हाइलाइटेड ऑरेंज कलर से है, अब इस डायग्राम में हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, ये है हमारी अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस
लॉन्गस, और इसमें जो ये ऑरेंज कलर से हाइलाइटेड है वो है हमारी एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये दोनों होती है पोस्टीरियरली, इन दोनों का होता है ओरिजिन पोस्टीरियर सरफेस से ऑफ द रेडियस। ये हमारी रेडियस है, ये वाली, ये जो पीछे की तरफ, इसका पोस्टीरियर सरफेस, यहां से इसका होता है ओरिजिन, और ये रेडियस थी हमारी। नीचे की तरफ यहां से इसका ओरिजिन होता है हमारा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का, आराइज मतलब ओरिजिन, कहां से? पोस्टीरियर सरफेस से, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये रहा हमारा पोस्टीरियर ऑफ राइट रेडियस। हमने देखा अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, इन दोनों का, ये जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है, ये यहां से इसका ओरिजिन होता है, और इसके नीचे यहां से ओरिजिन होता है इसका एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का। तो चार मसल हमने देखी थी एंटीरियर वे, और दो हमने देख ली पोस्टीरियर व्यू पे। अब ये जो तीन मसल है ये होती है हमारे लेटरली, द सुपिनेटर जो इंसर्ट होती है अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस। सुपिनेटर मसल, ये जो ऑरेंज कलर से हाइलाइटेड है, ये हम देख रहे हैं इसका लेटरल व्यू। ये हमारी सुपिनेटर, जिसका इंसर्शन होता है अपर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस। ये हमारा है अपर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस, यहां पे होता है इसका इंसर्शन। प्रोनेटेड टीरीज इंसर्टेड इनटू द मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस। अब जो मिडल है वहां पे इंसर्शन होता है प्रोनेटर टीडीज का। ये वाली जो मसल है ये हमारी प्रोनेटर टीडीज, इसका होता है इंसर्शन मिडल पार्ट में, वो भी लेटरल सरफेस के। यहां पे इसको ब्लू कलर से देखें तो यहाँ पे इसका इंसर्शन हो रहा है और इसका इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे जो अपर पार्ट पे और मिडल पार्ट में हो रहा है प्रोनेटर टीरीज का। और ये बची ब्रेकियो रेडियलिस, उसका इंसर्शन होता है लोवेस्ट पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस जस्ट अबव द स्टार्लाइट प्रोसेस। ये है हमारी ब्रेकियो रेडियलिस, ये जाके इंसर्ट करती है लोवेस्ट पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस जस्ट अबव द स्टार्लाइट प्रोसेस। ये हमारी ब्रेकियो रेडियलिस। इसका इंसर्शन होता है जस्ट अबव द स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो हमारा जो लेटरल सरफेस है वहां पे तीन मसल इंसर्ट करती है। ये रहा लेटरल, वही राइट रेडियस का, वहां पे क्या करती है तीन मसल इंसर्ट करती है, अपर पार्ट में सुपिनेटर, मिडल पार्ट में प्रोनेटर टीडीज, और जो लोएस्ट पार्ट जस्ट अबाउट द स्टाइलेट प्रोसेस ब्रेकियो रेडियलिस। पोस्टीरियर पार्ट में दो दो मसल ओरिजिनेट करती है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस अपर में, और इसके नीचे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और जो हमारा एंटीरियर सरफेस था वहां से दो मसल होती है
ओरिजिन और दो का होता है इंसर्शन। सबसे ऊपर और सबसे नीचे होता है इंसर्शन, बाइसेप्स ब्रिकेट का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी और ये लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस कोरोनेटरी क्वाड्रेटिस का। और जो एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है वहां से ओरिजिन होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का होता है मिडल पार्ट एंटीरियर सर्फेस, ओरिजिन होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का। तो हमने मसल्स देख ली, अब बची लिगामेंट्स। द क्वाड्रेट लिगामेंट इज अटैच टू द मिडिल पार्ट ऑफ द नेक। अब हम क्वाड्रेट लिगामेंट देखते हैं जो कि अटैच्ड होता है, ये रही हमारी रेडियस, मीडियल पार्ट ऑफ द नेक, ये है हमारा नेक, ये जो लिगामेंट है जो मीडियली निकल रही है ये है क्वाड्रेट लिगामेंट। द इंटरोशियस मेम्ब्रेन इज अटैच्ड, हमने देखा था ये लोअर 3/4 ऑफ द इंट्रोशियस बॉर्डर या फिर मीडियल बॉर्डर, ये है हमारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन लोअर 3/4 ऑफ ये जो मीडियल बॉर्डर है। ऑफ रेडियस वहां पे प्रेजेंट होती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। द ऑब्लिक कॉर्ड इज अटैच टू द मीडियल साइड जस्ट बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब जो ऑब्लिक कॉर्ड होती है एक वो होती है जस्ट बिलो द, ये देखो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है, इसके जस्ट बिलो ये ऑब्लिक कॉर्ड प्रेजेंट होती है मीडियली। हमने क्वाड्रेट लिगामेंट देख लिया, ऑब्लिक कॉर्ड देख लिया, इंटरोशियस मेम्ब्रेन देख ली। जो आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ द रिस्ट जॉइंट है इज अटैच्ड टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस। अब जो इंफीरियर लोअर एंड का जो इंफीरियर सरफेस था उसका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन है वहां पे आर्टिकुलर कैप्सूल होता है रिस्ट जॉइंट का, और जो आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जो हमारा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है वहां पे आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है जो अटैच होती है लोअर बॉर्डर ऑफ द अल्नर नॉच। ये है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ये है अल्नर नॉच। इसमें अगर हम अल्ना को डिसअपियर कर दे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये है लोअर बॉर्डर ऑफ द अल्नर नॉच, वहां पे प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट लोअर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है अल्नर नॉच के। तो हमने अटैचमेंट्स मसल और लिगामेंट देख लिए, अब हम लास्ट पार्ट ऑसिफिकेशन कवर कर लेते हैं। तो जो शाफ्ट होता है उसका प्राइमरी सेंटर से ऑसिफाई होता है, जो लोअर एंड और जो अपर एंड होता है उसके लिए सेकेंडरी सेंटर होते हैं। जो शाफ्ट होता है ऑसिफाई फ्रॉम प्राइमरी सेंटर विच अपियर ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट, ये अपियर होता है 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट के दौरान। और जो लोअर एंड ऑसिफाई होता है सेकेंडरी सेंटर से वो अपियर होता है 1st ईयर में, लोअर एंड है जो उसके लिए 1st ईयर में प्रेजेंट होता है, और जो फ्यूज करता है शाफ्ट के साथ 20th ईयर में, और ये ही होता है इसका ग्रोइंग एंड हमारे रेडियस का। जो अपर एंड है वो भी सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होता है, जो अपियर होता है 4th ईयर में, ये अपर एंड अपियर होता है इसका सेकेंडरी सेंटर 4th ईयर में, और ये फ्यूज करता है शाफ्ट के साथ 18th ईयर में, शाफ्ट के साथ फ्यूज करता है 18th ईयर में, और ये वाला फ्यूज करता है 20th ईयर में। लोअर वाला होता है हमारा ग्रोइंग एंड, और ये जो शाफ्ट है वो ऑसिफाई होता है हमारा प्राइमरी सेंटर से। तो हमने ऑसिफिकेशन अटैचमेंट्स और इसके फीचर्स और साइड डिटरमिनेशन देख लिया,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।